नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज़। मैं मेहरोज आपके साथ, आपको ले चलते हैं हम एक अहम खबर की ओर। साथ ही साथ आपको बता दें कि नगर पालिका जैतपुर का मामला है। प्राथमिक विद्यालय जैतपुर में एक गंदगी का अंबार, जहां पर सांप बिच्छू होने के कारण लड़के व अध्यापक बहुत डरे और सहमे हुए हैं। इस संबंध में चेयरमैन से कई बार कहा गया, किंतु अभी तक उसे हटाया नहीं गया है, तथा यहां के सभासद अबू सुफियान का कहना है कि हमारे नगर पालिका जैतपुर में जो जल निगम द्वारा कार्य कराया गया वो संतोषजनक नहीं है। जगह जगह सीपेज और पाइप लीक है, इस कारण शुद्ध पानी मिलना भी बहुत कठिन है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। यहाँ के ठेकेदार अशोक सिंह से भी कहा, किंतु अभी भी समस्या बनी हुई है। इससे ये पता चलता है कि घटिया किस्म के पाइपों का प्रयोग किया गया। फिलहाल देखते रहे डीएस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट, समझते रहिए पूरी जानकारी विस्तार से, और बने रहे हर पल मेहरोज के साथ। क्या नाम है आपका? सभासद अबू सुफियान अंसारी। सभासद हैं आप जी? यहाँ के चेयरमैन कौन है? रियाज अहमद। अच्छा, क्या समस्या है? रियाज अहमद प्रतिनिधि है, उनकी बहन चांदी भी चेयरमैन। अच्छा अच्छा, क्या है मामला? समस्या ये जो पाइपलाइन पड़ी हुई थी, अभी जो डाली थी ठेकेदार साहब ने कस्बा जैदपुर में। जी जी जी। तो ठीक नहीं है, कायदे की नहीं है, लीकेज बहुत होती हैं, मानक विहीन कार्य कराया गया है, जिसकी वजह से लीकेज ज्यादा होती है। किसके द्वारा कार्य कराया गया? ये ठेकेदार है कोई, अशोक सिंह नाम है उनका, शायद वही देख रहे हैं। ये नगर पालिका से? जी, मैं जब उनसे हमने फोन किया था ये पाइपलाइन के लिए लीकेज की वजह से, लीकेज के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि ये कार्य हमारा नहीं है, ये जल निगम का है। जल निगम? जल निगम से आप शिकायत करिए। अच्छा, तो जल निगम से आपने शिकायत किया है? शिकायत हमने इससे पहले कई बार की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जगह जगह लीकेज हो रहे हैं? बहुत लीकेज है पूरे जैतपुर में। इस वक्त अगर आप देखें तो 50-60 से अधिक लीकेज होंगे। ठीक,